होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त, एकदम मस्त होंगे गाइस, और स्वस्थ मस्त ही रहना। और बताइए कौन सा मंगलसूत्र पहनूं, बस ये मेरा बाकी रह गया है। देखिए ये पहनूं, ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं, क्योंकि इस पे क्या पसंद अच्छा लगेगा मुझे नहीं पता। और ये मैंने उस दिन पहना ही था आपके सामने गाइस, ये खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है सभी मंगलसूत्र। ये देखिए ये चार है, तो कैसे लग रहे हैं आप बताइए, कौन सा पहनूं। ये देखिए फोकस नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला पहन लेती हूँ, देखते हैं पहन के। अच्छा लग रहा है, तो ठीक है यही पहने रखते हैं। और गाइस देखिए मैंने मेहरून नेल पेंट लगाया है, तो बस। और रेड लिपस्टिक का कलर है, मेहरून नेल पेंट है जैसा कि आप देख रहे हो। पैरों की भी अभी बताऊंगी, पैरों के भी लगाया है। और ये कान की उसी दिन वाले पहन लिए क्योंकि ज्यादा नहीं है मेरे पास, और ये आपके सामने अभी पहनाई है। और देखिए मांग फुल वाली भर ली मैंने, अभी बाल धो के आई हूँ फुल वाली भर ली, तो कैसी लग रही बताइएगा आप। और चलिए कुछ बातें करनी है, चार पांच वीडियो बनाने हैं, इसलिए आज मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईब्रो मेरी बड़ी हुई है गाइस, बट मैं अभी नहीं कटवाऊंगी। देखिए और ये छोटे छोटे चूड़ियां पहनती हूँ मैं हाथों में। जैसा कि आपने देखा यहाँ ये पापा जी का दूध बन गया पापा जी के लिए। वो गाइस सौंठ और जो तुलसा जी के पत्ते होते हैं ना, सूखे काली मिर्ची लौंग और उसका एक काढ़ा है। ये काढ़ा नहीं, ज़्यादा नहीं डाला मैंने, और बस पेपर दे दूंगी, पानी दे दूंगी और एक केला भी दे दूंगी, और बस यही उनका नाश्ता है। दूध ठंडे पानी की बोतल जो है ऊपर ही दिला दूंगी मैं, और बस वो पेपर वेपर पढ़ेंगे, इतनी देर में खाना तैयार हो जाएगा। तो चलिए खाने की तैयारी करते हैं। और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है सब्जी बनाने का, क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है। आप सबको पता है कि बहुत दिनों से सिर में दर्द हो रहा था। यहाँ मैंने रात की जो रोटी थी ना गाइस, ज़्यादा ठंडी मत गलाइएगा, रात की रोटी मैंने छाछ में गला दी थी, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और प्याज काट दिया साथ में, तो मेरे बड़े वाले बेटे का खाना तो आज यही है, छाछ की रोटी, और मैं भी यही ले लूँगी थोड़ी सी। और इसमें जो है भुना हुआ जीरा और पुदीना और काला नमक और जो है जरा सी मिर्ची और हमारा जो जो ये नमक होता है ना, वो वाला नमक, क्या बोलते हैं इसको गाइस। और बस ये मेरे बड़े वाले बेटे को मैं सर्व कर रही हूँ। तो एक कटोरे में मैंने इसको मैंने हाथों से अच्छे से मैश कर लिया, रोटी को सारे को चूर लिया, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े तो है चम्मच में लेके खाए नहीं जाते फिर। और ये देखिए बहुत अच्छे जो है ये लगती है गाइस, और गर्मी के दिनों में खाओ ना तो और भी मज़ा आ जाता है। मेरी मम्मी ये बनाती है, बहुत टेस्टी लगती है। और ये सादा नमक डाल दिया,
और बस जैसा कि मैं बता रही हूँ ये सारे मसाले डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें चाट मसाला डाल सकते हो, कई लोग इसमें हरी मिर्ची काट के भी डालते हैं तो आप डाल सकते हो। और आप इस छुकी हुई रो ये छुकी हुई सॉरी क्या छाछ में गली हुई रोटी पे तड़का भी लगा सकते हो। हींग जीरे राई और एक दो लाल मिर्ची या फिर हरी मिर्ची ले लीजिएगा और बस रिफाइंड तेल में तड़का लगा के आप डाल सकते हो, या घी का भी लगाते हैं कई लोग। तो ये हमारा जो है बेटे का नाश्ता मैंने दे ही दिया, नाश्ता क्या खाना ही यही था। और यहाँ सरसों के तेल में मैंने लहसुन कूट के डाला है, खूब सारा लहसुन और राई और जीरा डाल देंगे। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन एक औरत की जिम्मेदारी गाइज, आप सभी को पता है मैं 5 साल तक अपने पियर नहीं गई थी। और यहाँ पे देखिए मेथी दाना भी मैंने डाला है, क्योंकि जिम्मेदारी होती है गाइज, और ससुर जी हैं तो अब चाहे सिर दर्द हो चाहे कुछ भी हो, खाना तो बनाना पड़ेगा, ससुर जी का और स्वामी जी का टिफिन, बच्चों का, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। सिर दुखा के अगर मैं पड़ गई या बांध के सिर पड़ गई तो सभी जने भूखे मर जाएंगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना गाइज। तो बस अपना जो मेरा कर्तव्य है वो मैं पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ, बेटी, बहू, पत्नी, ये सब मेरे फर्ज हैं, वो मुझे पूरे करने हैं। सोशल वर्कर भी हूँ साथ में, तो इस वजह से तो कुछ भी हो जाए खाना तो बनाना ही है। और यहाँ पर जो लहसुन का जो ओखली में मैंने कूटा था ना, उसमें पानी डाल के और कटोरी में डाल लिया हिला के, ताकि उसमें लहसुन के टुकड़े लगे हुए थे तो वो आ गए। और इसमें हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर मैंने अच्छे से हिला दिया, ये देखिए थोड़ा और पानी डाला है, ये अभी फूल जाएगा ये सारा मसाला। और मिर्ची बहुत सारी भर भर के डाली है, क्योंकि मैं बनाई यही रही हूँ मिर्ची की चटनी। और आप चाहो तो सूखी लाल मिर्ची आपके पास हो तो उसको पानी में गला दीजिए और फिर उसको जो है मिक्सी में चला लीजिए, वो पेस्ट भी आप डाल सकते हो। बट मैंने सूखी हुई मिर्ची नहीं, मैंने मिर्ची पाउडर का ही यूज़ किया था। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो इस वजह से। और बस यहाँ पर जो है मैंने तेल में डाल दिया उसको, तो देखिए आ गया ना, ये देखिए मुँह में पानी, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। गाँव में गाइस ये सिल्ला लोड़ी पर पीसी जाती है, तुरंत ताज़ा पीसी जाती है, और छाछ और बाजरे की रोटी, प्याज और ये चटनी खाई जाती है, और बहुत यम्मी और टेस्टी लगती है। गाँव में सब्जी उपलब्ध नहीं होती है, अवेलेबल नहीं होती है, तो वो लोग चटनी से ही काम चलाते हैं गाइस। तो बस आज मैंने भी चटनी बना ली, क्योंकि बच्चे तो खाने वाले नहीं हैं, बड़े वाले बेटे के लिए मैंने रोटी गला दी, और छोटे वाले बेटे के लिए मैं रोटी छोंकूंगी। तो हो सकता है वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ ना करूँ, क्योंकि मैंने पहले भी छुकी हुई रोटी यानी चट 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 आपके साथ शेयर कर दिया है इस वजह से। तो यहाँ स्वामी जी आज टिफिन लेने आए थे, लेकिन कुछ और काम भी था उनको, तो बस वो शिफ्ट कोड लेने जाना था उनको बैंक में, तो इसी वजह से, सॉरी गाइस ये गेट बजा है, हवा की वजह से गेट बजा है। चलिए गेट को खोल देते हैं, फिर मैं जो है आपसे बात करती हूँ। और यहाँ पर जो है ये भुट्टा है जो मैं सेक रही हूँ, तो मैंने एक भी पत्ता जो है इसका हटाया नहीं है, पूरा साबुत रख दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्वामी जी खाना खा के चले गए, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था, और ये डायरेक्ट शाम का टाइम है। तो यहाँ पर वही काढ़ा बन रहा है स्वामी जी के लिए और पापा जी के लिए शाम को, और रोटियाँ सिक रही है, और ये मेरे यम्मी यम्मी भुट्टे। तो आज का मेरा खाना तो भुट्टे ही है, क्योंकि मेरे को भुट्टे बहुत पसंद है। और सुबह नमकीन दे दी थी, दही दे दिया था, पापा जी को छाछ दे दी थी और चटनी दे दी थी, तो पापा जी का खाना सुबह का वही था। और ये शाम का जो है चल रहा है, ये भुट्टे सिक रहे हैं मेरे, तो बस यही है। और सब्जी मैंने बना ली है, शायद मैंने दाल बनाई है गाइस, तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि बार बार क्या ही शेयर करना गाइस, क्योंकि सिंपल होती है दाल में। कई बार मेरे पिछले व्लॉगों में आप देखना, हम लोग डेली में पहले शाम को दाल ही खाते थे, अभी आजकल थोड़ा नहीं खा रहे हैं शाम को, तो इस वजह से। और ये देखिए मेरे यम्मी यम्मी भुट्टे हो गए, आपसे बातें करते करते मैंने दूध भी छान दिया। और ये देखिए ये विमला का क्या आया है, आप खुद ही देख लीजिए। जी हाँ, ये पैन कार्ड बन के आ गया है, विमला का पैन कार्ड बनवाया था, तो सब चीज़ बन गई है विमला की, 4-व्हीलर, ड्राइविंग लाइसेंस, सब चीज़ बन गई है, सारे आधार कार्ड वगैरह।